मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट वेट ए मोमेंट। मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट सबको पता है, रिडेम्पशन ऑफर के ऊपर हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। आदित्य जी, ऑल स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है एक बार? ओके ठीक है, बाद में अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मेरे, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप एक बार क्वेश्चन आंसर शेयर कर लीजिएगा। सो क्राइसिस जो आया है कोविड का, ये चलेगा, अभी रेगुलर चलेगा, और हमें ही संसाधन देखते हुए अपने आप को बचाना भी पड़ेगा इनसे, और हम सब लोग तैयार हैं इन सबसे बचाने के लिए अपने आप को। मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग मिलके इससे बचा भी लेंगे अपने आप को। तो सोल्यूशन भी हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें सोल्यूशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, और हमें पूरी उम्मीद है हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला सोल्यूशन तो इस लॉकडाउन का ये आया कि हम लोगों की एक फ्री घर बैठे होम मीटिंग होनी शुरू हो गई। ये होम मीटिंग अगर मुझे आगरा में करनी होती थी तो मैं यहाँ से 300 किलोमीटर ट्रेवल करके, या 200 किलोमीटर मुझे गाजियाबाद दिल्ली में करनी होती थी तो जाना पड़ता था, और वहां मैं 100 200 300 500 लोगों की गैदरिंग या मीटिंग करता था। लेकिन आज इस कोविड की वजह से हम सब लोगों ने वर्चुअल मीटिंग्स का को करना शुरू कर दिया है, और जो स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूं वो मैं अपने घर से बैठ के आपको अपने घर पे बैठ के वो स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर सकता हूं। ये रेगुलर हमारी जो जूम की मीटिंग्स रिएक्शन मैनेजमेंट और आरवीसी के माध्यम से होती हैं, वो 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे, ये ऑलमोस्ट एक दो टाइम पे कोई मिक्स होती होगी। आप अपने आप को फ्री रखिए, और अपने व्हाट्सएप पे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आपका लिंक आता है, आपका कोई भी सीनियर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन है जो व्हाट्सएप पे लिंक भेजता है, उस लिंक को आप ध्यान रखते हुए आधे घंटे पहले वो लिंक आता है, आप उस मीटिंग में बैठा कीजिए, डायरी पेन लेके बैठा कीजिएगा। और अगर आपके पास वो लिंक नहीं आ रहा है तो आप अपने अपलाइन से बोलिए कि वो आपको लिंक भेजा करें, राइट। तो ये मीटिंग्स हमारी जूम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे होती हैं। 7 बजे जो हमारी मीटिंग स्पेसिफिक आरवीसी की होती है, उसमें कोई ना कोई एक सफल लीडर जो पहले 2, 4, 5, 10 हजार रुपए कमाता था, वो आज 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो इसलिए उस मीटिंग को जरूर से जरूर आप अटेंड करने की आदत डालिए, राइट। मिस मत कीजिए, वो टाइम को थोड़ा सा फ्री रखिए, आधे घंटे का मीटिंग होता है, ठीक है। अभी आप देख रहे थे जो सारा फोकस है वो फेस मास्क, वो सारा आज जो है कोविड से जो हमारे को प्रिवेंशन की चीजें हैं उनके ऊपर लग रहा है लोगों का, लेकिन अभी ये सारा फील्ड ट्रांसफर हो रहा है न्यूट्रिशन और विटामिन पे, क्योंकि अब जो बात आ रही है वो आ रही है इम्यूनिटी को बचाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी कैसे मजबूत होगी, इसके ऊपर सारा फोर्स आ रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी पे वो काम हो रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बातें हम पिछले 18 साल से डीएक्शन में कर रहे थे। आज हमारे पे जो ब्रह्मास्त्र हैं, जो हमारे पे शानदार प्रोडक्ट हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे कि वो इतने बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। इसको देखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, आपसे 5 दिन पहले मैंने सबको व्हाट्सएप भी भेजा था, हर जगह पीपीई किट, हर जगह टेस्टिंग किट, किट वर्ल्ड एक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने प्रोडक्ट का एक किट बना दें। प्रोडक्ट के किट में एक किट हमने बनाया, आज मैं आपको 3 किट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक किट हमने बनाया स्पिरुलिना चाय, कोकोनट ऑयल, सोप एंड पेस्ट का, ठीक है। एमआरपी 3010, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2420 और पीवी 1015, ठीक है। ऐसे करके एक किट बना लिया, आप अपने लेवल पर एक किट अपनी बना सकते हैं, उस पे एमआरपी रखिए। एक मेरे पे कल सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन आया, उन्होंने बोला कि सर आप इस पे डीपी रेट मत डालिए, सिर्फ एमआरपी रखिएगा और हम बताएंगे कि हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो रिडम्पशन का डिस्काउंट की भी बातें हम बताएंगे। आप सिर्फ कस्टमर को पहले हम बताएं कि 7175 रुपए का हमारा एक किट है, एक किट बनाया जिसमें आरजी जेल डाल दिया, रोजेल डाल दिया, एक जी मोका डाल दिया, एक कॉडिसेप्स डाल दिया, एक साबुन डाल दिया, एक कोकोनट ऑयल डाल दिया और एक स्पुरना डाल दिया, ऐसे करके एक 7000 का एक किट बना लिया, ठीक है। इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आप निकाल लीजिए, इसके पीवी आप अलग निकाल लीजिए, बोलिए कि इतने रुपए डिस्काउंट में हम आपको एक किट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये एमआरपी इतने रुपए है। इम्यूनिटी किट एक हमने स्पिरुलिना आरजीजीएल का निकाल दिया, एक लीडर ने आरजीजीएल स्पिरुलिना का निकाल दिया, इस तरह करके एक मिक्स एक किट आप अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी एक किट बनाइए और जर्नल लोगों से बात करनी शुरू कीजिए। जर्नल लोग मतलब जो अभी डीएक्शन के बारे में नहीं जानते, अगर आप मूव करना शुरू कर चुके हैं तो मूव करके बात कीजिए, अगर आप घर पे ही हैं तो फोन पे बात करना शुरू कीजिए,
भैया तुम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हो? आजकल इम्यूनिटी का इतना ड्रामा हो रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हो ये लोगों से पूछना शुरू करो। फिर आप बताओ मेरे पास पिछले 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से एक इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी किट है, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे करके एक नए बंदे से आप शुरुआत करो। आई एम 100% श्योर वो इंटरेस्ट लेके आपकी बात सुनेगा। माहौल बन चुका है, और यहाँ पे मैंने एक नीचे लाइन भी दी है, कॉन्टैक्ट फॉर स्पेशल डिस्काउंट। ऐसे करके कुछ क्रिस्प करके रखो, कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करो, कॉन्टैक्ट फॉर स्पेशल डिस्काउंट। अरे ये क्या स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा भाई इसके लिए, राइट? तो ये ऐसे करके थोड़ा सा आप मार्केट को कैप्चर करो, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वायरस सब कुछ करने वाला है। और इवन वायरस से बचने के लिए आप 6RG 6GL 12 Spulla प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं, राइट? डॉक्टर लिम ने एक हमारे लिए COVID-19 जब आया था, और उससे पहले ही उन्होंने जो है तैयारी शुरू कर दी थी, और उन्होंने जर्नल भी पब्लिश कर दिया है, मेडिकल जर्नल भी पब्लिश कर दिया है, और ये लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, गैनोथेरेपी एंड होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इन द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ फॉर द इमीडिएट रिलीफ फॉर कोविड। ये उन्होंने आज मेडिकल जर्नल भी पब्लिश कर दिया है, ठीक है? डॉक्टर एस रंजन ने भी मेडिकल जर्नल हो गया है, एंटी माइक्रोवायरल एक्टिविटी ऑफ गैनोडर्मा ल्यूसिडम फ्लूटिंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। ये पूरा जो है एक्सट्रैक्ट जो है गैनोडर्मा के ऊपर, उनका भी मेडिकल जर्नल पब्लिश हो गया है। इफेक्ट, ये एक रिसर्च है, मैंने आज सुबह सब व्हाट्सअप भी किया है आपको, अगर आपने देखी होंगी, इफेक्ट ऑफ स्पिरुलिना ऑन हमारे जो शरीर में बायोकेमिकल्स, और स्कूल जाने वाली जो गर्ल्स थे, 150 बच्चों को हमारे RVC ने, रत्ना वासुपाल क्रिएशन ने एक प्रोजेक्ट चलाया, और उन 150 बच्चों को 6 महीने तक स्पिरुलिना खिलाया गया, और उनका हीमोग्लोबिन, सीरम जिंक, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्बुमिनियम, ऐसे करके पैरामेडिकल स्टाफ ने, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आप देख रहे होंगे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक टीम बना के पूरा एक 6 महीने का एक रिसर्च पेपर सबमिट किया, और उसका मेडिकल जर्नल में भी उसे पब्लिश कराया कि स्पिरुलिना खाने से उन बच्चों में कितना अच्छा ड्रास्टिक चेंज आया है स्पिरुलिना खाने से, राइट? तो ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आपको किसी को एक लाइन में बताना हो RGGL स्पिरुलिना क्या है, तो RG को आप बताओ डिटॉक्सिफायर, GL को बताओ आप बैलेंसर, और स्पिरुलिना को बताओ आप रेगुलेटर, ठीक है? ऑलवेज रिमेम्बर, डिटॉक्सिफायर, बैलेंसर एंड रेगुलेटर, ये 3 चीजें आप बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, जिसमें कोकोनट ऑयल को प्रमोट करा गया है पीने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए, नेजल्स में लगाने के लिए। हमारे पास कोकोनट ऑयल भी है, इसको प्रमोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारे पास ब्लैक टी है, ब्लैक टी के बारे में बताया जा रहा है, मशरूम की चाय से हम लोगों को रिसर्च बता रहा है, काली चाय पीने से, मशरूम की चाय पीने से, इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इवन अगर आयुष ने काढ़ा बना के दिया था, जिसमें तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, ये सब चीजें थी, ठीक है? अगर आप अपनी मसाला टी को देखें, तो उसमें छोटी और बड़ी इलायची है, सौंठ है, दालचीनी है, लौंग है, जायफल है, सौंफ है, लेमन ग्रास है, और काली मिर्च है, और साथ ही साथ में गैनोडर्मा है। तो आपके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको खुद यूज करना है और कनेक्ट करना है लोगों को, ठीक है? लेकिन अभी बात जो है पैसे की भी करनी जरूरी है। ये तो सब बात हेल्थ की और इम्यूनिटी की तो ही है। पैसे का पेड़ आपको लगाना है, पैसे का पेड़ लग गया है, आपको उस पैसे के पेड़ को तोड़ना है, उसको आपको जो है आपके घर में आ गया है। पैसे की अगर मैं बात करता हूं, तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होता है FDs, ठीक है? ये हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं आज इंफेसाइज कर रहा हूं। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है FD पे, यानी अगर आपने 1,00,000 रुपए 1 साल के लिए डिपॉजिट किया बैंक में, बहुत सेफ रिटर्न है, 6,000 रुपए आपको मिलेगा साल भर बाद। अगर आपने 30,000 रुपए का FD बनाया, तो मात्र 1,800 रुपए आपको मिलेगा साल भर बाद। आज मैंने गोल्ड का रेट देखा, 45,300 रुपए पर तोला है, 10 ग्राम का रेट 45,300 रुपए है आज का रेट। अभी आप 1 तोला सोना लेके रख लेंगे, और अगर आप उसे 2-4-6 महीने बाद बेचेंगे, तो वो शायद 50 तक पहुंच जाए, या शायद 50 तक भी ना पहुंचे, या डाउन भी हो जाए, राइट? स्टॉक मार्केट में हम बात करें, तो आज जो सेंसेक्स था वो 31,000 था। अभी आप देखें 15 मार्च के आसपास सेंसेक्स कितना था, आज मार्केट ड्रिप हुआ है, ठीक है? प्रॉपर्टी की तो आप बात छोड़ी दो, अभी प्रॉपर्टी में तो बहुत समय लगेगा, लोगों के मोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ तो हम 10-20 हजार की बात कर रहे थे, 1,00,000 की बात कर रहे थे, और प्रॉपर्टी के लिए तो आपको 50,00,000 रुपए चाहिए ही चाहिए, ठीक है? एक वर्ड अभी लॉन्च हुआ है कुछ साल पहले, और DXN में वो वर्ड इस महीने बहुत क्रूशियल है। उस वर्ड का नाम है रिडीम, रिडम्पशन। और ये रिडम्पशन बड़ी बड़ी कंपनी देते थे, आज ये कंपनी
पहली ऐसी कंपनी है जो कैश रिडम्पशन आपको दे रही है और 10% का वो रिडम्पशन है। ये प्लान ए और प्लान बी है। इसमें प्लान ए के तहत 3,000 रुपए, 3,000 रुपए का मतलब 1,000 पीवी से है मेरा, अगर वो आप 2,500 रुपए में कर लेते हैं तो 2,500 रुपए भी ओके होगा, ठीक है। 3,000 रुपए से 1,199 रुपए तक ये चलेगा, 1,199 तक ये चलेगा, 1,199 तक 6 महीने चलेगा ये रिडम्पशन, और 12,000 से लेके अनलिमिट मतलब 1,00,000 तक, 1,50,000 तक, 50,000 तक, जो भी आपकी लिमिट है वो रिडम्पशन डीपी पे है, ये 12 महीने चलेगा। तो आप एक चीज तो गांठ बांध ही लो कि 12,000 से ऊपर आपको अपनी आईडी पे परचेज करना है। ऊपर की क्या लिमिट है ये आप सोचो। आज 50,000 रुपए भी एक बंदे ने लगा के माल पहुंच गया उसके पास, मैंने व्हाट्सअप कर दिया था, तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको ऊपर की क्या लिमिट बनानी है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए आपने लगाना है, 30,000 रुपए आपने लगाया और आपको ये 10% रिडम्पशन मिल जाएगा 12 महीने के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कैसे होगा। आप इसमें आपकी मर्जी के प्रोडक्ट होंगे, इसमें आपकी इच्छा के प्रोडक्ट होंगे, इसमें कोई कंपनी का बाउंडेशन नहीं है कि यही प्रोडक्ट लेना है। कोई कंपनी रिडम्पशन जो दे रही है मई की परचेस पे दे रही है, कोई कंपनी ऐसा नहीं करती कि अगली बार आप लेने आओगे तो मैं आपको कैश इंसेंटिव दूंगा। प्रोडक्ट के ऑफर होते हैं। इस बार कंपनी ने, आप लोग फंसे हुए हैं कई लोगों की, बहुत सारे इनकम्स को लेके प्रॉब्लम में है, तो कंपनी ने भी अपना दिल खोल दिया और उसने 10% का रिडम्पशन डाल दिया। क्या है वो 10% का रिडम्पशन? सबसे पहले समझाइए एक बंदे को कि हम एक कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 20% का रिटेल मार्जिन है, 6,000 रुपए का रिटेल मार्जिन है, उस पे जो उसे पीवी मिल रहे हैं। एक सेकंड मैं रोकूंगा अपने आपको, हार्डोक साहब अभी थोड़ी देर में करता हूँ मीटिंग में, अभी थोड़ी देर में करता हूँ। सो सेकंड है बोनस ऑन एसबी। इस पे जो बोनस आएगा वो एसबी पे आता है हमें, आपको पता ही है। अगर मेरे 30,000 रुपए के माल पर 10,000 पीवी बन गया तो अप्रोक्सीमेट मेरे 13,000 एसबी बन जाएंगे, और 13,000 एसबी पर अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 12% पे है तो उसे 1,600 रुपए लगभग आएंगे, अगर वो 25% पे है तो 3,300 रुपए आएंगे, अगर वो 31% पे है तो 4,000 रुपए आएंगे, और अगर वो 37% पे है तो लगभग 4,800 रुपए आएंगे। ये अपनी अपनी कैलकुलेशन आप अपनी लगा लीजिएगा। अब उसे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिल रहा है 10%। ये ऊपर का 1 और 2 पॉइंट तो उसे वैसे भी मिल जाएंगे रूटीन डेज में, राइट। लेकिन इस महीने लगाने का फायदा ये है कि उसे 10,000 रुपए रिडम्पशन मिलेगा। इसका मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अगले जून से जब आप माल लेना शुरू करेंगे और वो माल अगर 10,000 रुपए का लेंगे तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपए। आपको अपने स्टॉकिस्ट को 9,000 रुपए देने पड़ेंगे और 10,000 का माल आप ले लेंगे, हाथों हाथ 10% की एक्स्ट्रा इनकम। अगर एक स्पुरना 1140 का आप खरीदते हैं तो आपको 10% जून से 114 रुपए वो सस्ता मिलेगा, बशर्ते आपने मई में ज्यादा से ज्यादा रिडम्पशन अमाउंट इकट्ठा कर रखा होगा तब, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। अब कोई कहता है कि 30,000 रुपए मेरे पास नहीं है, ऐसा बहुत रेयर होगा कि 30,000 रुपए हम अरेंज कर सकते हैं, हम पे कैश भी हो सकता है, हमारे पास बैंक में भी पड़े हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि अगर आपके पास बैंक में पड़े रहेंगे तो बहुत कुछ अभी मिलने वाला है, ये आपको आत्मनिर्भर बना रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, जो आज मोदी जी ने भी बहुत साफ बोला, आत्मनिर्भर बनिए। ये जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ, आत्मनिर्भर बनने की तरकीब समझा रहा हूँ। अगर बाई चांस आपके पास 30,000 रुपए हैं तो इमिडिएटली 30,000 रुपए लगाइए, और ये जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, 7 दिन के अंदर, अगले क्योंकि 20 दिन बचे हैं आपके पास, 7 दिन के अंदर कोशिश कीजिए उस 30,000 के माल को बेच दीजिए। 30,000 का नहीं बिकता, 25 का बेचिए, 20 का बेचिए, 10 का बेचिए, जितने का भी आप बेच पाए उतने का माल उसको ठिकाने लगा दीजिए लोगों के पास, इम्यून सिस्टम के नाम पर, इम्यूनिटी किट के नाम पर, न्यूट्रिशन के नाम पर लोगों को समझाइए, क्योंकि लोगों को जरूरत है, ठीक है। और क्या कीजिए, अब आपके पास 10,000 रुपए आ गए, तुरंत आप 10,000 रुपए का माल फिर दोबारा खरीद लीजिए। 30,000 के होने का वेट मत कीजिए, क्योंकि दिन एकदम तेजी से जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है वो पैसा से खरीद के रख रहे हैं। स्टॉकिस्ट के पास भी चैलेंज है कि उसे माल मंगाना पड़ रहा है, 5-5, 7-7 दिन में माल आ रहा है। डीएक्शन मैनेजमेंट बहुत एफर्ट कर रहा है आपको माल पहुंचाने में, डीएक्शन स्टॉकिस्ट बहुत एफर्ट कर रहे हैं आपको सर्विस देने में। पता चला आपके पास लास्ट में आपने पैसा लाए, लो भैया मुझे 50,000 का माल दे दो, 20,000 का माल दे दो, और स्टॉकिस्ट को मजबूरन कहना पड़े कि अब मेरे पे स्टॉक खत्म हो गया है,
इसलिए जिनके पास भी पैसा है आज ही अपना ऑर्डर बनाइए, मैंने कल भी बोला था, और अपने स्टॉकिस्ट को एडवांस जमा कर दीजिए, एडवांस दे दीजिए। स्टॉकिस्ट को एडवांस देने का फायदा क्या होगा, अगर स्टॉकिस्ट के पास अपना 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख का ऑर्डर लगाता है और वो माल आपको देता है, अगर आपने 10-10 हजार भी अगर 10 लोगों ने उसे एडवांस दे दिया तो वो 2 लाख का माल मंगाएगा और जैसे ही उसका माल आएगा वो आपको 10 हजार का पकड़ा देगा 10 लोगों को, तो उसके पास फिर भी 1 लाख का माल बचा हुआ रह जाएगा। और अगर उसके पास हाथों हाथ प्रोडक्ट है तो वो आपको हाथों हाथ भी दे सकता है। आई एम नॉट श्योर कि वो स्टॉकिश का क्या स्टेटस है, ठीक है, पर बहुत से लोग बहाने बनाते हैं या बहुत से लोगों के पास जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है कि शायद उनके पास 30 हजार रुपए भी ना हो, उनको मेरा सजेशन है आप 10 हजार रुपए इकट्ठे करो दोस्त, 10 हजार रुपए का माल खरीदो, स्पीडली उसे बेचो और फिर 10 हजार का खरीद लो, अगले 7 दिन में स्पीडली उसे बेचो और फिर 10 हजार का खरीद लो। ऐसा करके क्या होगा, आपकी टोटल वर्थ फिर 30 हजार हो गई, तब भी 30 हजार हो गई। और अगर आपके पास 30 हजार है तो 30 हजार का बेचो, फिर 30 हजार का बेचो, फिर 30 हजार, आप 90 हजार भी कवर कर सकते हो। आप 90 का टारगेट लेके चलो ना, छोटा क्यों सोचते हो। अब कंपनी ने 12 हजार दे दिया तो कई लोग मुझसे कहते हैं सर हम 12 का करेंगे। मैंने कहा 12 का कोई वो थोड़ा है, 33% पे पास है तो आपने ये थोड़ा सोचोगे मैं 33% पे पास हो जाऊंगा। आप एफर्ट करोगे 100% के लिए, तो आप कोशिश करो कि 90 हजार, 1 लाख, 80 हजार, जो भी आप मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि ये मौका इस महीने के किए गए काम का मौका, अगले 1 साल आप एक्स्ट्रा कमाओगे 10%। और कई लोग क्या कर रहे हैं, इतना समझाने के बाद भी, हमारे सबके कंपनी के और लीडर्स के समझाने के बाद भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं और फिर उनके पास 2 शब्द होते हैं, उफ काश, गलती हो गई यार, काश उस समय हमने मैक्सिमम एफर्ट करके ज्यादा स्टॉक कर लिया होता और मई में अपने रिडम्पशन को पूरा कर लिया होता तो हमें फायदा ये होता कि हम जो अब माल लेने जा रहे हैं जून जुलाई, मान लीजिए किसी ने सिर्फ 5 हजार का रिडम्पशन अमाउंट बनाया और वो 5 हजार का उसका 3-4 महीने बाद खत्म हो गया, अब वो माल लेने जाता है तो उसे रिडम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसके तो 5 हजार रुपए का रिडम्पशन था, 50 हजार रुपए के माल खरीदने पर वो रिडम्पशन उसका खत्म हो गया। अब उसके पास एक ऑर्डर आया, मान लीजिए 10 हजार रुपए का उसे ऑर्डर मिला, तो वो 10 हजार रुपए का ऑर्डर अगर उसका रिडम्पशन नहीं है तो उसे 10 हजार रुपए में ही मिलेगा, और अगर उसने रिडम्पशन बना रखा था अपना तो उसे 1 हजार रुपए सस्ता मिलता, वो एक्स्ट्रा इनकम उसकी जेब में आ जाती। ये है कंपनी की सोच, एक्स्ट्रा इनकम आपको दे पाने की, पर उसके लिए आपको अपना घड़ा भरना पड़ेगा इस महीने, ज्यादा से ज्यादा माल खरीद के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे के, ये आपको करना पड़ेगा, वरना आप भी उफ और काश ये 2 शब्दों को बोलना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है, अभी कई लोग तैयार हो जाएंगे खुद करने के लिए, कई लोगों ने मेरे पास फोन और मैसेज आ चुके हैं सर हमने कर लिया, इतना कर लेंगे। मैं उनसे अगला चैलेंज देता हूं कि आप खुद ही अकेले करोगे, इसका मजा खुद आप अकेले लोगे, ये मजा आप लोगों को नहीं दिलवाना चाहोगे। हर कंपनी फ्रेंचाइजी देती है, मैकडोनल्ड्स है, सबवे है, 7-Eleven है, इजी डे है, हर कंपनी, जियो है, ये सब लोग अपनी अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए में देते हैं, और वो फ्रेंचाइजी ज्यादातर बंद है आज लॉकडाउन में। लेकिन हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो एक न्यूट्रिशन की फ्रेंचाइजी है, वो एक घर से चलने वाली फ्रेंचाइजी है। आप लोगों को 30-30 हजार रुपए की फ्रेंचाइजी लोगों को दिलवाओ ना, ये देखो मैंने बनाए हैं आपके लिए 1, 2, 3, 4, आपकी अपनी फ्रेंचाइजी 5। एक आदमी आज जो मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा है, कम से कम 5 लोगों को ये फ्रेंचाइजी दिलवाओ। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न्स की, ये बातें उन्हें समझाओ, इम्यूनिटी किट की, एक अपना एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने की, आत्मनिर्भर बनवाने की बातें उन्हें समझाओ। और कोशिश करो कि कोई 20 हजार रुपए की फ्रेंचाइजी ले ले, कोई 30 हजार की ले ले, कोई 50 हजार की ले ले, कोई 10 हजार की ले ले, जितनी उसके पास मैक्सिमम वो समझ पाए उसको ये चांस दो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। राइट, ये अभी हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा 1 मिनट बाद, तो हमें रीज्वाइन करना है तो हम रीज्वाइन करेंगे एक बार, 5-10 मिनट का सब्जेक्ट और रह गया है। राइट, तो उसके बाद ये बेसिकली ऐसे कैसे होगा, इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, पेपर पेन पे आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अमित से बात हो गई, अमित ने इतनी बात बोली है, सुमित से बात हो गई, उससे ये बात हुई है, विजय, अच्छा अरे यार ये नाम तो छूट ही गया, ये तो बंदा है ना, ऐसे करके आप लोगों की स्ट्रेटेजी बनवाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए और बी 2 चीजें और बताई है। राइट, ये 2 चीजों को लेके आप प्लानिंग अभी मैं आपको बताऊंगा। हर चीज आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए, हर चीज आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए कि मैंने क्या प्लानिंग करी है, क्या नाम लिखे हैं, कैसे कैसे उनको मुझसे बात करनी है, किसने कितना ऑर्डर दे दिया है, उसको एक डायरी में नोट कर लो,
उसके पास क्या माल पहुंच गया नहीं पहुंच गया, ये सारी जिम्मेदारी है, ये खत्म होने वाला है। आप वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा सेम आईडी पासवर्ड डाल के, हम 10 मिनट की बात और रह गई है उसको कवर अप करेंगे, राइट। सो इस तरह से आप प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि हम इससे अपना सिस्टम बना सके, राइट। तो